मैं पत्रकार मित्रों से इस चीज़ की माफ़ी चाहूँगा कि आजकल हम उनको काफ़ी परेशान कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक आपका काम जो है हमने गढ़ा रखा है, तो इसकी मैं माफ़ी चाहूँगा। दो चार एक दिन से जब से ये बहस चल रही है कि अफसर हड़ताल पे हैं, अफसर हड़ताल पे नहीं हैं, कई बार ये बात आ चुकी है। और जब दिल्ली के अंदर धूल भरी आंधी आ रही थी, तो कल से मैं देख रहा हूँ कई सारे टेलीविजन के ऊपर बहुत सारे लोगों को चिंता है, और चिंता जायज भी है कि इतना पोल्यूशन हो रहा है, सरकार क्या कर रही है, क्या कर सकती है। और उसके लिए हम काफ़ी दिनों से ये मीटिंग्स दिखा रहे थे कि देखिए साहब, इमरान हुसैन जो मंत्री हैं वो एयर क्वालिटी लेवल्स पे मीटिंग बुला रहे हैं 22 फरवरी से, मगर आईएएस अफसर नहीं आ रहे हैं। ट्री प्लांटेशन के टारगेट्स के लिए मीटिंग बुला रहे हैं, आईएएस अफसर नहीं आ रहे हैं। मगर सुनने में ऐसा लग रहा था कि साहब अब तो फरवरी की दिखा रहे हैं। तो आज मैं आपको जीता जागता सबूत दिखा रहा हूं, जिससे ये बात मुझे लगता है हमेशा के लिए अब साबित हो जाएगी कि आईएएस अधिकारी स्ट्राइक पे हैं। मुझे लगता है कि नेशनल चैनल के अंदर लगभग सब चैनलों में पिछले 48 घंटों से चल रहा है कि दिल्ली के अंदर इमरजेंसी सिचुएशन है, दिल्ली के अंदर पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है, सरकार कुछ क्यों नहीं कर रही, सरकार क्या करेगी। इस इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर दिल्ली के एनवायरमेंट मिनिस्टर ने आज 5 बजे मीटिंग बुलाई। ये मीटिंग है, आज शाम को एनवायरमेंट मिनिस्टर ने अपने सेक्रेटेरिएट में मीटिंग बुलाई। किस चीज की मीटिंग बुलाई? कि कल जो मीटिंग में तय हुआ था पोल्यूशन के ऊपर, हम ये काम करेंगे, उसके लिए रिव्यू करेंगे, क्या क्या अचीव हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। स्टेटस ऑफ एयर पॉल्यूशन एट दिल्ली, कंट्रोल मेजर्स बीइंग टेकन देयर ऑफ, एक्शन टेकन रिपोर्ट ऑन द रिव्यू मीटिंग हेल्ड ऑन 14/6 एट 3 PM। और किन दो अधिकारियों को बुलाया गया? दो आईएएस अधिकारियों को बुलाया गया, एक प्रमोटेड आईएएस है, एक फुल आईएएस है। एनवायरमेंट सेक्रेटरी जो आईएएस अफसर है, एके सिंह, और दूसरे स्पेशल सेक्रेटरी एनवायरनमेंट जो कि मेंबर सेक्रेटरी हैं दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के, आज 5 बजे बुलाया गया। अभी 7 बजा हुआ है, मीटिंग खत्म हो गई है। ये मीटिंग की अटेंडेंस शीट है, ये दोनों ही आईएएस अधिकारी इसके अंदर से नदारद रहे। मुझे लगता है कि इसके बाद अब इस बहस को हमें विराम कर देना चाहिए कि आईएएस ऑफिसर हड़ताल पे हैं या नहीं है। आईएएस ऑफिसर क्या सिर्फ मंत्रियों की व्यक्तिगत मीटिंग में नहीं आ रहे? ये इमरान हुसैन ने रोजा इफ्तार की मीटिंग जो थी, या अपने घर में रोजा इफ्तार करने के लिए नहीं बुलाया था इनको, ना इन्होंने अपने घर में कोई प्रोग्राम करने के लिए बुलाया था। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन के लिए डिपार्टमेंट के हेड्स की मीटिंग बुलाई थी, जिसके अंदर ये दोनों आईएएस अफसर स्ट्राइक के चलते हुए नहीं आए। ये जो दोनों हैं, मीटिंग का नोटिस और मीटिंग की अटेंडेंस शीट्स हम लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देंगे, ताकि आप सब वहां से ले लें। दूसरी दोस्तों, एक बड़ी अच्छी खबर है और बड़ी हैरान करने वाली खबर है, ना सिर्फ दिल्ली के लिए, देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए, कि जहां पूरी दुनिया में दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक्स की तारीफ हो रही है और हाउस ऑफ एल्डर्स से कोफी अन्नान का एक खत आया है, कोफी अन्नान साहब का खत आया है आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के पास, कि वो दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक्स को इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, इतनी उसकी उसको वो मानते हैं कि इतना वो लोगों के फायदेमंद चीज है, कि उनकी पूरी की पूरी टीम जो है, इंटरनेशनल टीम, अलग अलग देशों से विशेषज्ञों को लेकर वो सितंबर के महीने में दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक्स को विजिट करने वो आना चाहते हैं। और उसी दिल्ली में जहां पे मोहल्ला क्लिनिक्स की तारीफ पूरी दुनिया कर रही है, उस दिल्ली में
पिछले 4 महीने में आईएएस हड़ताल के चलते एक भी नया मोहल्ला क्लिनिक ना तो बनाया गया है और ना जिन मोहल्ला क्लिनिक्स के अंदर डॉक्टरों की भर्ती होनी थी, करीब 30 ऐसे मोहल्ला क्लिनिक थे, उसके अंदर डॉक्टर और नर्सों की भर्ती नहीं हुई है। यहां तक कि जो टेंडर दवाइयों के लिए होना था वह टेंडर भी पिछले 4 महीने से रुका हुआ है, जिसके कारण कुछ दिनों में उन मोहल्ला क्लिनिक्स के अंदर दवाइयों की भी कमी देखी जाने वाली है। आप सब यहाँ पे आए, आप सबका मेरी ओर से धन्यवाद। दिलीप भाई अगर आपके समक्ष कुछ कहना चाहते हैं, दिलीप भाई इसके अंदर थोड़ा ऐड करेंगे। जरूरी बात के सौरभ भाई ने कह दी है। एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जहाँ पूरी दुनिया तारीफ कर रही है मोहल्ला क्लिनिक और इनके सर्विसेज की और आम आदमी को हो रहे फायदे की, वही सर्विसेज डिपार्टमेंट अपनी जेब में रख के बैठे हैं जी साहब, जो मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर्स की भर्ती होनी उसे रोक कर बैठे हुए हैं। नए वाले मोहल्ला क्लिनिक बनने में कितनी अड़चनें आई हैं, उसमें से कुछ भी आपके सामने छुपा हुआ नहीं है। लेकिन जो डेलीगेशन आ रहा है, 2 डेलीगेशन आ रही हैं, मैं बताना चाहूँगा कुछ बहुत ही खास नाम है उन डेलीगेशन में जो आपके सामने, जिनका जिक्र करना चाहूंगा। 5 से 8 सितंबर को जो डेलीगेशन आएगा वो डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगे ग्रे हार्लेम ब्रुकलिन साहब, जो डेप्यूटी चेयर है हाउस ऑफ द एल्डर्स के और नॉर्वे के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। इनके नेतृत्व में वो डेलीगेशन आएगा, नॉर्वे के पूरे प्रधानमंत्री हैं। इस डेलीगेशन के अंदर WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो फॉर्मर डायरेक्टर जनरल हैं वो इसमें आ रहे हैं, और इसके अलावा इनके साथ यूनाइटेड नेशन की जो फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल है बैन की मून जी, वो भी इनके साथ आ रही है। सारी बहुत नामचीन हस्तियां हैं जिन्होंने समाज कल्याण के क्षेत्र में, लोक कल्याण के क्षेत्र में, विश्व कल्याण के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, ये जहां भी रहे हैं। इसके अलावा एक और प्लानिंग टीम हाउस ऑफ एल्डर के सेक्रेटरियट से दिल्ली को विजिट करेगी जुलाई में, और वो जो है प्लानिंग जो टीम होगी वो सितंबर वाली जो विजिट है उसको प्लान करेगी, आएगी। और इसको जो चीफ ऑफ एल्डर्स हाउस ऑफ एल्डर्स स्टाफ है मिस्टर मार्क हिल्टन, वो इसको लीड करेंगे। तो ये सारे बड़े नामचीन लोग हैं और इस बात को दर्शाता है इनका, इनकी रुचि का स्तर देख के मोहल्ला क्लिनिक्स में, कि मोहल्ला क्लिनिक अब पूरी दुनिया में कैसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का लार्ज स्केल पे समाधान निकाला जाए, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल, सबसे सक्सेसफुल एग्जांपल बन चुका है। और पहले जहां कहा जाता था कि आप इस प्रकार की सेवाओं के लिए जर्मनी से सीखिए, फ्रांस से सीखिए, यूरोपियन कंट्रीज से सीखिए, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से सीखिए, अमेरिका से सीखिए, अब ये सारे मुल्क कह रहे हैं कि आप हिंदुस्तान आइए, दिल्ली की सरकार से सीखिए और अरविंद केजरीवाल से सीखिए। और इन्हीं अरविंद केजरीवाल जी को एलजी साहब पिछले 5 दिन से मिलने का वक्त नहीं दे रहे हैं, जो एक गुजारिश लेके बैठे हुए 5 दिन से कि अपने मातहत जो हैं आईएएस अधिकारी उनको हड़ताल से लौटाइए। और ये तमाम काम जो अटके पड़े हैं जिनकी तारीफ दुनिया में हो रही है वो काम होने दीजिए।